फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स की। ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स के बारे में डिटेल में बात करने के पहले आपको मैं एक बेसिक चीज बताना चाहूँगा कि व्हाट इज एंटीजन एंड व्हाट इज एंटीबॉडी। ओके, ये आपको ऑलरेडी नोन होगा, लेकिन एक सिंपल शॉर्ट सा इंट्रो ले लेते हैं इसका। एंटीजन मीन्स एनी फॉरेन सब्सटेंस, कोई भी एक फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन सब्सटेंस होता है, या फिर आप बोल सकते हो ऐसा सब्सटेंस विच एक्टिवेट दी इम्यून सिस्टम। तो ये ऐसा सब्सटेंस या ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, और इसी की वजह से इम्यून सिस्टम जो है एंटीबॉडी डेवलप करता है। एंटीजन एंटीबॉडी डेवलप होने के बाद इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, रिएक्शन के कारण इनका कॉम्प्लेक्स बनता है। कॉम्प्लेक्स बनता है मतलब किसका बनता है? एंटीजन और एंटीबॉडी का। बट ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है इट इज वेरी स्पेसिफिक, ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है। मीन्स एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी होता है, कोई भी एंटीजन किसी भी एंटीबॉडी को बाइंड नहीं होता। ठीक है, तो यही एंटीजन एंटीबॉडी कंसेप्ट जो है ये हमारे ब्लड ग्रुपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब हम डिटेल में देखते हैं कि कैसे ये एंटीजन एंटीबॉडी जो है ब्लड ग्रुपिंग में इन्वॉल्व है। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स। अब आरबीसी मेम्ब्रेन बियर्स 30 टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन। मैं आपको बताया एंटीजन होता है, तो हमारे ब्लड में जो आरबीसी होता है ना, आरबीसी हमने देखा था कि डायकॉन के डिश शेप होता है इस टाइप से है ना। तो इसके सरफेस के ऊपर जो होते हैं कुछ एंटीजन होते हैं इस टाइप से, ये इसके सरफेस के ऊपर एंटीजन पाए जाते हैं। तो ये जो एंटीजन होते हैं अप्रोक्सीमेटली 30 टाइप्स के होते हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एंटीजन होते हैं, या उसको हम एंटीजन बोलते हैं। एंटीजन के बारे में और डिटेल में, एनीथिंग परसीव एज अ फॉरेन एंड जनरेट अ इम्यून रिस्पॉन्स। जैसा मैं आपको बताया कि एंटीजन की प्रॉपर्टी होती कि वो या तो फॉरेन सब्सटेंस होगा या तो फिर वो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकता है, एंड दे आर दी प्रमोटर ऑफ एग्लूटिनेशन। अब जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन बोलते हैं। ओके, मिसमैच ट्रांसफ्यूजन ब्लड परसीव एज अ फॉरेन में एग्लूटिनेटेड एंड डिस्ट्रॉयड कैन बी फेटल। अब अगर मान लीजिए कि मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, मीन्स जो मैचिंग होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे ब्लड की, वो अगर प्रॉपर नहीं हुई तो एग्लूटिनेशन रिजल्ट हो सकता है उसका, जिसके कारण हमारा जो एग्लूटिनेशन रिएक्शन है वो जो है फेटल भी हो सकती है, मतलब लाइफ डिस्ट्रॉयर भी हो सकती है। ठीक है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ईच एंटीजन इज यूज्ड टू क्लासिफाई ब्लड सेल्स इन डिफरेंट ग्रुप्स। अब जैसे मैंने बताया कि आरबीसी के ऊपर एंटीजन होते हैं, यही एंटीजन जो है ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब कौन कौन से एंटीजन हैं और कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स बने हैं ये अपन डिटेल में देखेंगे। अब जैसे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एक होता है, ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में क्या होता है कि एंटीजन ऑफ एबीओ एंड आरएच ब्लड ग्रुप, दूसरा एक ब्लड ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं आरएच ब्लड ग्रुप, कॉज विगरस ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के जो एंटीजन होते हैं और आरएच ब्लड ग्रुप के जो एंटीजन होते हैं, यही ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे जो रिएक्शंस होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और भी कई टाइप के ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं, जैसे एमएनएस, डफी, केल एंड लेविस, लेकिन इनका जो एग्लूटिनेशन रिएक्शन होता है ये वीक होता है, जबकि हमारे
एबीओ और आरआरएच का जो एग्लूटिनेशन रिएक्शन होता है वो स्ट्रांग होता है, या जो ये एग्लूटिनेजेंस है ये स्ट्रांग एग्लूटिनोजेंस। ओके, अब एबीओ ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप में जो है आपके चार टाइप के ब्लड ग्रुप मिलते हैं, ए बी, ए बी और ओ। बेस्ड ऑन प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ टू एग्लूटिनोजेंस ए एंड बी ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। अब ये जो चार ब्लड ग्रुप बने हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, ये किसके बेस पे बने हैं? ये बने हैं एग्लूटिनोजेंस मतलब कि एंटीजन ए और एंटीजन बी के प्रेजेंस और अब्सेंस के बेस पे। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। ब्लड में कंटेन प्रीफॉर्म एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडी, जिसको हम एग्लूटिनेंस बोलते हैं। अब ब्लड में जो है ऑलरेडी एंटी मींस आपका जो आरबीसी रहेगा उसके सरफेस पे एंटीजन रहेंगे। अब एंटीजन आइदर में भी ए और बी, ठीक है, और जो ब्लड रहता है ब्लड में आपके एंटी ए एंटीबॉडी रहेगा या तो एंटी बी एंटीबॉडी रहेगा। ये दो टाइप की जो एंटीबॉडी है ये ब्लड में रहते हैं, और जो एंटीजन रहता है वो आपके आरबीसी के सरफेस पर रहता है। एग्लूटिनेंस क्या करते हैं? दे एक्ट अगेन ट्रांसफ्यूज्ड आरबीसी विद एबीओ एंटीजन नॉट प्रेजेंट ऑन द रेसिपिएंट्स आरबीसी। वो जो है आपके जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे जो आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन रहते हैं उन एंटीजन के साथ रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो एंटी ए और एंटी बी जो एंटीबॉडीज है ये क्या करते हैं? आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन होते हैं उनके साथ कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं अपन, जैसे मान लीजिए पहला केस ब्लड ग्रुप ए बी, किसी पर्सन का अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो इनमें एंटीजन कौन से रहेंगे? ए और बी, मतलब ये आरबीसी हो गया। आरबीसी के सरफेस पे आपको एंटीजन ए बी भी मिलेगा, एंटीजन ए भी मिलेगा। अब एंटीजन ए भी प्रेजेंट है और एंटीजन बी भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप का नाम क्या पड़ा? ए बी, करेक्ट। वैसा ही ब्लड ग्रुप बी वाले पर्सन की बात करते हैं तो इसके सरफेस पे कौन सा एंटीजन मिल रहा है? एंटीजन बी। ब्लड ग्रुप ए पर्सन की बात करते हैं तो इसके आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन मिल रहा है? एंटीजन ए। एंटीजन ए है इसीलिए ब्लड ग्रुप का नाम ए है। अब ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ओ का ब्लड ग्रुप ओ जो रहेगा उस पर्सन के आरबीसी के सरफेस पे आपको किसी भी टाइप का एंटीजन नहीं मिल रहा है, ना ही एंटीजन ए मिलेगा ना ही एंटीजन बी मिलेगा। अब जो ब्लड ग्रुप ए बी वाला पर्सन रहेगा उसके प्लाज्मा में है, उसके प्लाज्मा में कौन से एंटीबॉडीज रहेंगे? कोई एंटीबॉडी नहीं रहेगी। ब्लड ग्रुप बी के, ब्लड ग्रुप बी वाला जो पर्सन रहेगा उसके आरबीसी पे एंटीजन बी है तो उसके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी रहेगा? एंटी ए एंटीबॉडी रहेगा, है ना। एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी कौन सा है? एंटी ए। वैसा ही ब्लड ग्रुप ए वाले में एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी कौन सा है? एंटी बी एंटीबॉडी, मतलब अपोजिट है। ऐसा नहीं है कि एंटीजन ए है तो एंटी ए एंटीबॉडी है, उस केस में उसका अपोजिट एंटीबॉडी। आप नोट कर लीजिए इस बात को कि एंटीजन ए प्रेजेंट है तो साथ में कौन सा एंटीबॉडी रहेगा? एंटी बी। अब ब्लड ग्रुप ओ की बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप ओ वाले जो पर्सन रहेंगे उसके आरबीसी में किसी भी टाइप का एंटीजन नहीं होता, जिसकी वजह से उसके प्लाज्मा में जो है ऑलरेडी जो प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज रहते हैं वो कौन से हैं? एंटी ए और एंटी बी, ठीक है। अब इनको हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए है तो उसके आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीबॉडी रहेगा? ए कौन सा एंटीजन रहेगा? ऑब्वियस सी बात है,
एंटीजन ए रहेगा। अब एंटीजन ए है तो इसके साथ में एंटीबॉडी कौन सा रहेगा, उसका अपोजिट एंटी बी एंटीबॉडी, करेक्ट। अब ये अलग अलग एंटीजन और एंटीबॉडी है, इसी वजह से ये दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करते। लेकिन अगर किसी कारण से मान लीजिए इसके साथ में अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है, इसको अगर एंटी ए एंटीबॉडी अगर मिल गया तो ये क्या करेगा, इसके साथ में कॉम्प्लेक्स बना लेगा, जिसके कारण जो आरबीसी है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है ना? तो इसी के ऊपर से जो है, जैसे ब्लड ग्रुप बी है तो उसके आरबीसी पे कौन सा एंटीजन, ऑब्वियसली बात है बी एंटीजन, है ना, ये आरबीसी पे बी एंटीजन। और साथ में एंटीबॉडी कौन सा रहेगा इसमें, एंटी ए एंटीबॉडी, करेक्ट। ब्लड ग्रुप ए बी की बात करते हैं तो ए बी नाम मिला है ब्लड ग्रुप को, तो सिंपल सी बात है कि इसके आरबीसी पे कौन सा एंटीजन रहेगा, ए और बी दोनों के दोनों एंटीजन रहेंगे। और इसके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी रहेगा, कोई एंटीबॉडी नहीं रहेगा। और ब्लड ग्रुप ओ की बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप ओ वाले जो पर्सन रहेंगे उसके आरबीसी पे आपको कौन से एंटीजन मिलेंगे, कोई एंटीजन नहीं मिलेंगे। लेकिन इसके प्लाज्मा में कौन से एंटीबॉडी रहेंगे, एंटी ए एंटीबॉडी और एंटी बी एंटीबॉडी, ये दोनों के दोनों आपको प्रेजेंट मिलेंगे। तो बस इसी के ऊपर से जो है ब्लड ग्रुपिंग हुई है, ए बी ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। तो इसका जो नाम पड़ा है सिंपली इट इज बिकॉज ऑफ द एंटीजन, एंटीजन जो कि आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट है। एंटीजन ए प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप का नाम ए, एंटीजन बी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप का नाम बी, एंटीजन ए बी प्रेजेंट है दोनों तो ब्लड ग्रुप का नाम ए बी, और कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड ग्रुप का नाम ओ। दूसरा जो ब्लड ग्रुपिंग आता है वो है आर एच ब्लड ग्रुप। आपने देखे होंगे कि कई बार हम बोलते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या है, तो ब्लड ग्रुप हमारा है ए आर एच पॉजिटिव, ए आर एच निगेटिव या बी आर एच पॉजिटिव, बी आर एच नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो साथ में लगता है ना, ये क्या होता है, ये आर एच ब्लड ग्रुपिंग के कारण है, ये आर एच फैक्टर के कारण है, आर एच फैक्टर की वजह से। वो देखते हैं हम डिटेल में। जनरली जो आर एच फैक्टर होते हैं वो 52 टाइप के हैं, लेकिन सबसे जो कॉमन है वो सी टी और ई है। ए और बी तो हम देख चुके हैं, है ना, तो टोटल उसमें से फिर जो आर एच ब्लड ग्रुपिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है एंटीजन वो है सी डी और ई। अब जो आर एच ब्लड ग्रुपिंग में जो एंटीजन मेनली इन्वॉल्व है वो कौन सा है, डी एंटीजन। तो डी एंटीजन के प्रेजेंस और अब्सेंस के ऊपर से हम बोलते हैं कि ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव है या आर एच निगेटिव है। अब जैसा आर एच जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस जो होती है ये थोड़ी सी ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग से डिफरेंट है। किस वे में डिफरेंट है कि अब मैंने बोला कि आरबीसी के सरफेस पे आपको एंटीजन ए मिलेगा तो ब्लड ग्रुप ए कहलाएगा। अब इसमें मान लीजिए कि आपका डी एंटीजन प्रेजेंट, डी एंटीजन प्रेजेंट है, अगर डी एंटीजन प्रेजेंट है मतलब ये क्या हो गया, आर एच पॉजिटिव। वहीं अगर ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है जिसके सरफेस पे ए एंटीजन है लेकिन उस पे आर एच या फिर डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, आर एच निगेटिव। तो ये वाला जो पर्सन रहेगा इसका ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ए आर एच पॉजिटिव, और इसका हो जाएगा ए आर एच निगेटिव। निगेटिव क्यों आया, क्योंकि डी एंटीजन एबसेंट है। पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि डी एंटीजन प्रेजेंट है, इसमें एबसेंट है और इसमें प्रेजेंट है। अब खास बात यह है इसमें कि इसके अगेंस्ट में अब ये एंटीजन है तो एंटीबॉडी भी रहेंगे, करेक्ट। तो जो एंटीबॉडीज होते हैं, मतलब जो एंटीबॉडीज रहते हैं उसका नाम क्या है, एंटी आर एच एंटीबॉडीज,
जो डी एंटीजन के अगेंस्ट में बनते हैं। तो जनरली प्रीफॉर्म्ड एंटीआरएच एंटीबॉडीज जो होते हैं वो बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो सिर्फ फर्स्ट एक्सपोजर जब होता है तब वो डेवलप होते हैं, और वो फर्स्ट डेवलपमेंट के टाइम पे भी कोई खास रिएक्शन शो नहीं करते हैं। सेकेंड एक्सपोजर के टाइम पे वो जो है टिपिकल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस जो होती है वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि जैसे एंटी आरएच एंटीबॉडीज फॉर्म कब बनेगी, इफ आरएच नेगेटिव इंडिविजुअल रिसीव आरएच पॉजिटिव ब्लड। मतलब कोई पर्सन का ब्लड ग्रुप अगर आरएच पॉजिटिव है, ऐसा पर्सन अगर आरएच नेगेटिव वाला ब्लड रिसीव करता है तो आरएच एंटीबॉडीज जो है एंटी आरएच एंटीबॉडीज जो है वो बनना स्टार्ट होती है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि जनरली हम देखते हैं कि हीमोलाइटिक डिसीज इन न्यूबॉर्न, मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, जो बच्चे डेवलप जस्ट उनकी डिलीवरी हुई रहती है, न्यूबॉर्न बेबी जो रहते उनमें हमको कभी कभी हीमोलाइटिक डिसीज देखने को मिलती है। हीमोलाइटिक मीन्स यहाँ से ये वर्ड को अलग कर लेते, हीमो मीन्स आप बोल सकते हो हमारा आरबीसी, और लाइटिक मीन्स होता है ब्रेकडाउन। ठीक है, तो हीमोलाइटिक डिसीज होती है, वो क्यों होती है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ये कब होती है, ओनली अकर्स इफ इन आरएच नेगेटिव मॉम विथ आरएच पॉजिटिव फीटस। तो मान लीजिए कि एक मदर है ना, मदर के अगर पेट में जो बेबी है, मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो अगर आरएच नेगेटिव है और बेबी का जो ब्लड ग्रुप है वो आरएच पॉजिटिव है, तो ऐसे टाइम पे जो डिसीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हीमोलाइटिक डिसीज। ठीक है, आरएच नेगेटिव मॉम एक्सपोज टू द आरएच पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ फर्स्ट बेबी, बेबी हेल्दी, मदर सिंथेसाइजेस द एंटी आरएच एंटीबॉडीज। अब मान लीजिए कि ये फर्स्ट डिलीवरी का केस है, तो मदर का पहला बेबी है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि ड्यूरिंग डिलीवरी क्या होगा कि ये जो फीटस का बेबी का जो ब्लड है जो कि आरएच पॉजिटिव था, ये मदर के ब्लड को एक्सपोज हो जाएगा। ठीक है, अब मदर का ब्लड जो कि आरएच पॉजिटिव है ये एक्सपोज हुआ है, सॉरी आरएच नेगेटिव है जो कि एक्सपोज हुआ है बेबी के आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को, तो ये फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे एंटीबॉडीज डेवलप कर लेगा। कौन सी एंटीबॉडी डेवलप करेगा, एंटी आरएच एंटीबॉडीज। ठीक है, अब फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे ब्लड एक्सपोज हो गया, मदर का जो ब्लड है उसमें एंटी आरएच एंटीबॉडीज बन गए, तो इस टाइम पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, बेबी जो होगा वो पूरा का पूरा हेल्दी होगा। लेकिन डिलीवरी के बाद मदर के ब्लड में ऑलरेडी एंटी आरएच एंटीबॉडीज डेवलप हो गए। अब यही मदर अगर सेकेंड प्रेगनेंसी कंसीव करती है, सेकेंड बेबी के टाइम पे मदर के बॉडी में ऑलरेडी एंटी आरएच एंटीबॉडीज बन चुके हैं, क्योंकि पहले डिलीवरी के टाइम पे बेबी का जो आरएच पॉजिटिव वाला ब्लड था वो एक्सपोज हुआ था, तो मदर के ब्लड में एंटी आरएच एंटीबॉडीज बन चुके हैं। अब वो जो ऑलरेडी बने हुए एंटीबॉडीज है, सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे बात हो रही है ना, वो क्या करेंगे कि प्लेसेंटा को क्रॉस करेंगे और डिस्ट्रॉय आरबीसी ऑफ आरएच पॉजिटिव बेबी। तो सेकेंड टाइम अगर वो प्रेग्नेंट हो रही है बेबी और बेबी का जो ब्लड ग्रुप है वो आरएच पॉजिटिव है, तो क्या होगा कि मदर के ब्लड में बने हुए ऑलरेडी जो एंटी आरएच एंटीबॉडीज है वो फीटस प्लेसेंटा को क्रॉस करते हुए फीटस के ब्लड में जाकर आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगे, तो बेबी का जो आरबीसी है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पे एक बात नोट कर सकते हैं कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि फर्स्ट टाइम बेबी का जो आरएच पॉजिटिव ब्लड था वो मदर के आरएच नेगेटिव ब्लड को एक्सपोज हुआ और उस टाइम पे सिर्फ एंटीबॉडीज बने। लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे वही जो फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे एंटीबॉडीज बने थे एंटी आरएच एंटीबॉडीज, वो सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे प्लेसेंटा को क्रॉस किए
बेबी के ब्लड में गए और इस टाइम भी अगर बेबी का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है तो वो बेबी के ब्लड को मतलब आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दी थी। अब ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं, ये हो गई ब्लड ग्रुपिंग। अब जैसे मान लीजिए, यहाँ पर आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए अगर ब्लड ग्रुप ए आरएच पॉजिटिव है तो ये ए आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कैसे आ गया, ये आया आपका जैसे सबसे पहले तो ए, ए वर्ड क्यों आ गया, क्योंकि आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, ए एंटीजन प्रेजेंट है, करेक्ट। अब पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि इसके ऊपर में साथ में डी एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे डी आर एच ए आर एच पॉजिटिव। अब ए आर एच निगेटिव ब्लड ग्रुप वाले के केस में क्या होगा कि आरबीसी के सरफेस पे आपको ए एंटीजन मिलेगा क्योंकि ए ब्लड ग्रुप है लेकिन साथ में निगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि उसके सरफेस पर डी एंटीजन अब्सेंट है, इसीलिए निगेटिव वर्ड आया। सेम आपका बन जाएगा बी आर एच पॉजिटिव बी आर एच निगेटिव, ए बी आर एच पॉजिटिव ए बी आर एच निगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव, इस टाइप से आपके ब्लड ग्रुपिंग कंप्लीट। अब उसके बाद ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं, तो ट्रांसफ्यूजन मतलब होता है कि ब्लड डोनेट और रिसीव करना, है ना। तो जब भी किसी पर्सन को ब्लड लगता है तो आपने कई बार हॉस्पिटल में देखे होंगे कि उसको ब्लड लगाया जाता है, तो उस टाइम पे ये जो ब्लड ग्रुपिंग है ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। अब ब्लड जो है वो होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी होता है, मतलब पूरे के पूरे ब्लड के कंपोनेंट भी ट्रांसफर किए जाते हैं, या फिर कभी कभी जो होता है पैक्ड रेड सेल भी ट्रांसफर किए जाते हैं, पैक्ड सेल मतलब कि सिर्फ आरबीसी देंगे, उसमें से ब्लड में से प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी निकाल लेते हैं और सिर्फ आरबीसी डोनेट किए जाते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि पेशेंट को किस ब्लड कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है उसके बेस पे जो है पर्सन को जो है ब्लड दिया जाता है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार पूरा का पूरा ब्लड कंपोनेंट एक साथ दिए जाएंगे। जनरली जो आरबीसी दी जाते हैं दे आर टू रिस्टोर द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ये आरबीसी का फंक्शन ही है ऑक्सीजन कैरी करना। ट्रांसफ्यूजन ऑफ इनकम्पेटिबल ब्लड कैन बी फेटल, तो इनकम्पेटिबल ब्लड, ये इनकम्पेटिबल ब्लड का अगर ट्रांसफ्यूजन हुआ तो ये फेटल हो सकता है, मतलब डेथ हो सकती है पर्सन की। अब ये ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो है ये आपको मैं बताना चाहूंगा थोड़ा सा, ट्रांसफ्यूजन कैसे होता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए ले लो आप ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए जो होगा उसके आरबीसी पे कौन सा एंटीजन होगा, ए एंटीजन, कौन सा होगा ए एंटीजन। अब हम देख लेते हैं कि ये किस किस को डोनेट कर सकता है, ठीक है, और इसमें एंटीबॉडी कौन सा है, तो इसमें एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, करेक्ट, यही हमने डिस्कस किए थे भी। अब ये किस किस को डोनेट कर सकता है, अब यहाँ पे लिख देता हूं मैं ब्लड ग्रुप ए, ये ब्लड ग्रुप ए को दे सकता है क्या, दे सकता है, क्यों दे सकता है, क्योंकि इसके आरबीसी पे आपको एंटीजन ए मिलेगा, करेक्ट, और साथ में क्या मिलेगा एंटी बी एंटीबॉडी, तो यहां पर कहीं भी उसको एंटीजन ए नहीं मिल रहा है जिसके कारण किसी भी टाइप की रिएक्शन नहीं होगी, तो दिस ट्रांसफ्यूजन इज सेफ। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए वाला जो पर्सन है ये क्या ये ब्लड ग्रुप बी वाले को दे सकता है, तो चेक कर लेते, ये उसका आरबीसी होगा ब्लड ग्रुप बी वाले का, उसके सरफेस पर कौन सा एंटीजन होगा, बी एंटीजन होगा इस टाइप से, और इसके ब्लड में कौन सा एंटीबॉडी होगा, एंटी ए एंटीबॉडी होगा, है ना। अब जब ये ब्लड ग्रुप ए वाला जो पर्सन है ये अगर ब्लड ग्रुप बी वाले को ब्लड देता है तो क्या होगा कि इस आरबीसी को कौन सा एंटीजन मिल गया, एंटी ए एंटीबॉडी मिल गया इस एंटीजन ए को। अब ये एंटीजन ए और एंटी ए एंटीबॉडी साथ में आ गए तो ये क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स बनाना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से
आरबीसी जो है डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल नहीं है। फिर बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी की, क्या ये ब्लड ग्रुप ए बी को डोनेट कर सकता है? तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए बी वाले के आरबीसी पर कौन सा एंटीजन रहेगा? ऑब्वियस सी बात है ए और बी दोनों रहेंगे, रहेंगे ना, ए और बी दोनों रहेंगे। और इसमें कौन सा एंटीबॉडी रहेगा? इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं रहता। तो अगर मान लीजिए ये पर्सन ब्लड देता भी है तो क्या होगा कि एंटी बी एंटीबॉडी जो है वो यहाँ पर, ये अगर ब्लड सैंपल इसको दिया गया तो एंटी बी एंटीबॉडी मिल जाएंगे, और ये जो एंटीजन है वो आपके रिएक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। वहीं सॉरी कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि ये जो डोनर रहेगा वो किसी भी टाइप की रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं करता है। और यहाँ पर अगर ब्लड ग्रुप ओ की बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप ओ में क्या होगा कि आरबीसी पर किसी भी टाइप का एंटीजन नहीं है, है ना, लेकिन एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी ये दोनों के दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस टाइप से आपकी इसमें ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है।